नज़रदोश और नेगेटिव एनर्जी ना सिर्फ हमारी सोच को नेगेटिव कर सकती है बल्कि हमारी खुशियों और हमारे भाग्य उदय का रास्ता भी हमेशा हमेशा के लिए रोक सकती है। ऐसे में इस तरह की चीज़ें हमें एज अ पर्सन कितना इफ़ेक्ट करती हैं, साथ ही वो कौन सी बहुत सी आसान चीज़ें हैं जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने में सबसे कारगर साबित हो सकती हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आमतौर पर हम नज़रअंदाज करते रहते हैं और वही वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को बाहर कर सकती हैं? देखो पूजा, सच बात तो ये है बेटा, हकीकत बता रहा हूँ आपको, इसमें कोई प्रवंचना नहीं है। ऐसे ऐसे नज़र वाले लोग हैं जो अगर हरे पेड़ को देख लें तो पेड़ एक महीने के अंदर सूखा हो जाएगा। इतनी निगेटिव एनर्जी लोगों के अंदर है कि अगर हरे पेड़ को देख लें ध्यान से तो हरा पेड़ सूखा हो जाएगा। कहने में ये अतिशयोक्ति लग रही होगी और हम 21वीं शताब्दी में हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, लोग सोच रहे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल अंधविश्वास की बात नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल आजमाई हुई बात कह रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग इस धराधाम पर हैं, इतनी काली जबान वाले, इतने मतलब कि निगेटिव ऊर्जा वाले, इतने नकारात्मक ऊर्जा वाले कि जो सचमुच में हरे पेड़ को भी देख लें तो वो सूख जाएगा, मनुष्य की क्या औकात है। तो मेरे कहने का मतलब है, भगवान बचाए ऐसे लोगों से, आप क्या कितनी सावधानी बरतेंगे। बस हनुमान जी से प्रार्थना अगर आप करते रहें कि हनुमान जी आपकी रक्षा करें, तो निःसंदेह हनुमान जी ऐसे लोगों के दृष्टि से आपको बचाते रहेंगे। जब किसी व्यक्ति पर ही नज़रदोष हो तो उसको अपनी सेहत कभी भी ठीक नहीं लगती है, कार्यों में असफलता मिलती है, नुकसान होता है, निर्णय लेते समय व्यक्ति हमेशा असमंजस में रहता है, किसी से बात करते समय आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत हर काम को टालने की कोशिश करता है। आपको नज़र लगेगी तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, आपको नज़र लगेगी और नज़र झाड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति साबर मंत्र से आपका नज़र झाड़ रहा है तो उसको बहुत तेज उबासी आएगी और उबासी के साथ उसके दोनों आँखों से आंसू गिरेंगे। इतनी बार उबासी आएगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और उसके दोनों आँखों से आंसू गिरेंगे, और ये क्रम कम से कम 10-15 मिनट तक चलता रहेगा। लेकिन आप जान लीजिए कि उसके तत्काल बाद आप राहत महसूस करेंगे। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके आसपास पॉजिटिव ऑरा नहीं है, अपने घर के पूजा स्थान और घर में साफ सफाई का ध्यान रखिए, शाम को घी का दिया घर में जलाइए, अपने इष्ट में पूरी आस्था और श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, नियमित योग और प्राणायाम करिए। हम तो कहते हैं ना कि अगर नियमित योग भगाए रोग, अगर योग कर रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं तब किसी चीज़ की ज़रूरत ही क्या है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, बलों में मैं प्राणायाम हूँ। प्राणायाम से बढ़कर के कोई बल होता नहीं है, एक बार जान लीजिए। प्राणायाम की चार अवस्थाएं हैं, मार्कंडे पुराण में मार्कंडे जी ने लिखा है, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि प्राणायाम की चार अवस्थाएं होती हैं। ध्वस्ति उसको कहते हैं कि जब आपके शरीर का रोग समाप्त हो जाए, मतलब आपके शरीर में दूरबीन से खोजने पर भी एक रोग का कण न मिले, तो इसको कहते हैं ध्वस्ति, मतलब रोग को ध्वस्त कर दिया प्राणायाम ने। दूसरा है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब कि आपके अपने जीविका के लिए और संसार चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़ें सुगमता से आपको प्राप्त होने लगें, इसका नाम है प्राप्ति। और तीसरा नाम है संबित। जब आपको ग्रह गोचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, मानसून मौसम के बारे में अनायास आभास होने लगे तो ये संबित अवस्था है। और प्रसाद अवस्था वो है जब आपके बैठे बैठाए आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगें, तो इसको कहते हैं प्रसादावस्था। तो अगर केवल और केवल प्राणायाम सिद्ध हो जाए तो दुनिया में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सनातन धर्म में प्रातः संध्या, सायं संध्या का विधान कहा गया है और हर संध्या में प्राणायाम के लिए कहा गया है। प्राणायाम का मंत्र है
ओम भू ओम भू ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इसमें सात व्याहृतियाँ लगी हुई हैं जो सातों चक्रों को एक्टिवेट करती हैं, और अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि एक साल के बाद आप सामान्य से विशिष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।